21 जनवरी को रामगढ़ फुटबॉल मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है। इसी परिपेक्ष में हजारीबाग शहर के विभिन्न जगहों पर कांग्रेस ऑफिस रोड, पुरानी कचहरी, बाबूगांव चौक, सदर ब्लॉक, टीवीसी चौक, नया बस स्टैंड चौक, खिरगांव चौक इत्यादि में नीतीश शोहर कार्यक्रम के तहत दिल्ली के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर नीतीश जी के विकास कार्यों का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में रथ के साथ साथ जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल कुशवाहा, प्रदेश सचिव साहब बरकट्ठा, विधानसभा प्रभारी अर्जुन कुमार मेहता, प्रदेश सचिव मिथिलेश सिंह, जिला प्रवक्ता राकेश ठाकुर, जातियों का वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन पटेल, जिला उपाध्यक्ष मेहता महेश यादव इत्यादि शामिल थे। सभी नेताओं ने 21 जनवरी को रामगढ़ चलो और विकास की लहरों को बिहार ने देखा अब देश देखेगा का नारा बुलंद किया। कल के प्रोग्राम के लिए रथ प्रदेश सचिव सब बरकट्ठा, विधानसभा प्रभारी अर्जुन कुमार मेहता के नेतृत्व में बरकट्ठा विधानसभा रवाना हुआ। कल टाटी, झरिया, दारू, इचाक, चालकुसा इत्यादि प्रखंडों में अनुकर नाटक का कार्यक्रम होगा। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। झारखंड में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का आगमन हो रहा है। हजारीबाग से हजारों की संख्या में यहां से कार्यकर्ता और सक्रिय सदस्य भाग लेंगे और यह जो नीतीश जी का कार्यक्रम रामगढ़ में हो रहा है वह अभूतपूर्व होगा। इससे पहले इतनी भीड़ नहीं हुई थी, जो भीड़ रामगढ़ में भी लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और नीतीश जी को सुनने का वहां पर जमा होंगे सुनने के लिए। त्योहार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जी। त्योहार यात्रा का पहला कदम रामगढ़, फिर झारखंड में नीतीश बाबू का अगला कार्यक्रम होगा। प्रभुदयाल कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड हजारीबाग। चल रहा है तो अभी जो ये जन जागरण का है तो कब वहाँ होगा प्रोग्राम रामगढ़? वहाँ पर 21 जनवरी को होगा। 21 जनवरी फुटबॉल मैदान रामगढ़ में। तो ये जनता को जगाने की काम कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं हम लोग, निमंत्रण दे रहे हैं आप जनता को, भारी लाखों के लाखों संख्या में रामगढ़ नीतीश कुमार जी को भाषण को सुनने के लिए हम लोग चलना है।